6 घंटे फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, व्हाट्सएप बंद, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? और सबसे बड़ी बात जो आज की इस वीडियो का मुद्दा है कि ट्विटर के साथ ऐसा कभी क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता ट्विटर डाउन? देखिए 2 या 3 महीने में एक बार आपको सुनने में आ ही जाता है कि भाई आज व्हाट्सएप डाउन हो गया, कभी फेसबुक डाउन हो गया, या इंस्टाग्राम में कुछ हलचल चल रही है जिसके कारण यूजर्स को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये ट्विटर के साथ ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब कि रेयर चांसेस जब आपको पता लगे कि भाई ट्विटर ही डाउन हो गया। और ट्विटर डाउन हो भी गया तो भाई कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, दैट्स ऑल। लेकिन भाई 6 घंटे फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, व्हाट्सएप बंद, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? और सबसे बड़ी बात जो आज की इस वीडियो का मुद्दा है कि ट्विटर के साथ ऐसा कभी क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता ट्विटर डाउन? चलिए इस वीडियो के सिलसिले में बात करते हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो भाई 6 घंटे डाउन रहा उसमें आपका कितना नुकसान हुआ, क्योंकि मार्क भाई साहब के बारे में बता रहे हैं कुछ 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया उनको 6 घंटे में। चलिए देखते हैं आपका क्या नुकसान हुआ है और चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, अभी दोनों के दोनों जो हैं वो फेसबुक के प्रोडक्ट हैं। जो सबसे पहले जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी और ने बनाई थी, काफी साल खुद चलाई, उसके बाद फेसबुक ने ही इसे खरीद लिया। अगर हम बात करें भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम की, तो इस वक्त अगर कोई ज्यादा यूज में आ रहा है तो वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के आने के बाद फेसबुक काफी ज्यादा नीचे चला गया, लेकिन अभी भी टायर 2 टायर 3 के लोग फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं और जो शहरों में लोग हैं वो ज्यादा इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के यूजर्स रील्स आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि भाई टिकटॉक की सारी ऑडियंस और सारे टिकटॉकर्स आ गए हैं अब इंस्टाग्राम के ऊपर। अब देखिए, अब ट्विटर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई ट्विटर एक अलग कंपनी है, उनका सर्वर इतना हैवी नहीं है। अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो कुछ सेकंड के लिए आती है और उसका आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता होगा कि भाई आपके इंटरनेट में ही कुछ ना कुछ परेशानी है। और देखिए, अब मान लीजिए फेसबुक में कोई दिक्कत आ गई, अब फेसबुक का जो सर्वर है आप उसका एक बार लोड सोच के देखिए भाई, कितनी सारी जनता है, कितने सारे यूजर्स इंस्टाग्राम के हैं। अब उतने सारे यूजर्स ही आपके मिल जाएंगे व्हाट्सएप के, और उतने ही यूजर्स आपके हो गए फेसबुक के, तो भाई यहाँ परेशानी आना और उसको सोल्व करना कितनी बड़ी दिक्कत है। फेसबुक के लोगों का यही कहना था कि भाई थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और जितनी भी चीजें कर रहे थे ये फेसबुक की अपडेट के लिए की जा रही थी और वहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई और उसी चक्कर में फंस गए हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी। मार्क का कहना है कि जल्दी इस चीज का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि अब जल्दी कुछ ऐसा किया जाएगा जहां पर आपको इतनी देरी देखने को नहीं मिलेगी जैसा ट्विटर के साथ होता है। इंडिविजुअल चीजें हैं, बिल्कुल एक ही चीज सटीक बनाई गई है ट्विटर के लिए, तो वैसे ही अलग अलग चीज़ें बनेंगी इंस्टाग्राम के लिए, अलग अलग चीज़ें बनेंगी व्हाट्सएप के लिए, जिससे कि अगर भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें हों तो इतनी देर ना हो कि भाई 6 घंटे के लिए ट्रैफिक जैम लग जाए। सो गाइस, दिस वाज द रीजन, यही कारण था कि ट्विटर इतनी जल्दी डाउन नहीं होता। लास्ट टाइम कब सुना था आपने ट्विटर डाउन था? डू लेट मी नो इन कमेंट्स, रीजन आपको पता लग गया है। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और सबसे बड़ी बात बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली अपडेट आपको सही समय पर मिल जाए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।